हेलो फ्रेंड्स, कब जो हॉलीवुड चैनल आज मैं आपके लिए लेकर आई न्यू डिज़ाइन का बेबी कैप। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल का बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने कमेंट्स में भेजिए। फ्रेंड्स स्टार्ट। आज मैं बनाऊंगी न्यू बॉर्न बेबी के लिए कैप, जिसके लिए देखिए मैंने ये दो कलर लिए हैं और 10 नंबर सिलाई ली है। और इसमें मैंने 25 फंदे डाले हैं। मैं एक पैटर्न आपको बता रही हूँ और आप बेबी के लिए बना रहे हैं तो इसमें 45 फंदे ले सकते हैं, 50 भी ले सकते हैं। और इसमें मैंने 5 फंदे का बॉर्डर लिया है, आप उसमें 10 फंदे का बॉर्डर रखिएगा। और देखिए दो सिलाई मैंने निकाल ली है, एक उल्टी एक सीधी। अब देखिए यहाँ से मैं एक फंदा उतारूँगी, साइड फंदा, धागा आगे करूँगी, 1 2 3 4, ये देखिए एक मैंने उतार लिया, 4 उल्टे बुन लिए, ये 5 फंदे का बॉर्डर बना लिया। उसके बाद मैं ये धागा लगाऊंगी, ये देखिए इधर से इस तरह से, यहाँ से मैं डिजाइन इसमें डालूंगी। और आप 45 फंदे का बना रहे हैं तो यहाँ पे 10 फंदे का बॉर्डर रख लीजिए। ये देखिए एक फंदा मैंने ऐसे बुन लिया ब्लू कलर से और इसको इधर कर लिया, एक इससे बुन लिया ऑरेंज से, देखिए इस तरह से, इस ऊन को इधर कर लेंगे ऐसे, इसको ऐसे, ये काफ़ी इजी है, काफ़ी जल्दी बनने वाला है, बेबी पे अच्छा भी लगता है। एक ऑरेंज से बुनेंगे, एक ब्लू से, इस तरह से, ये देखिए इस तरह से, देखिए ये मैंने एक रो निकाल ली है इधर से डिजाइन वाली। अब देखिए ये ऑरेंज है जो, इसको मैं इससे ब्लू से बुनूंगी इस तरह से, देखिए ऐसे। और ये वाला है, ये मैं ऐसे पकड़ लूँगी, ब्लू वाला है उसको ऑरेंज से बुनूंगी, और देखिए इसको ऐसे पकड़ लूंगी, ये देखिए इसी तरह से मैं इस रो को कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए अब मैं यहाँ से सीधी रो पे आ गई हूँ। अब मैं देखिए एक फंदा उतारूँगी, धागा इधर करूँगी, ये 5 फंदे उल्टे बुनूँगी और उसके बाद देखिए दोनों धागे इधर कर दूँगी ऐसे आगे पीछे, और इसको मैं पूरी रो सीधा बुन लूँगी इस तरह से, सारे फंदे मैं सीधे बुन लूँगी ऐसे ऑरेंज से। ये देखिए इस तरह से आएगा, ये इधर से मैं इसको उल्टा बुन जाऊंगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये दो रो कंप्लीट कर ली हैं। अब देखिए यहाँ से मैं एक फंदा उतारूंगी, धागा आगे करूंगी और इस रो में, ये देखिए यहाँ पे मैंने ये दो रो निकाल ली हैं, एक इधर से और एक इधर से सीधी। अब देखिए इस रो में मैं एक फंदा ये उतारूँगी और देखिए यहाँ से 20 फंदे उल्टे बुनूँगी, 5 फंदे उधर छोड़ दूंगी मैं। ये देखिए ये 5 फंदे मैं
इस रो में नहीं बुन रही हूँ, ये उल्टा उल्टा जो रो बुनी है मैंने, यहीं से मैं इनको देखिए बिना बुने छोड़ दिए ये 5 फंदे, यहीं से मैं पलट लूँगी और उल्टा उल्टा बुनते हुए इस रो को कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए अब मैं एक फंदा उतार लूँगी धागा अपने साइड, ये देखिए यहाँ पे 5 फंदे उल्टे बुनूँगी जो बॉर्डर के हैं, इसके बाद धागा इधर करेंगे और देखिए सीधा बुन लेंगे। ये देखिए ये 5 फंदे मैं इस रो में भी नहीं बुन रही हूँ, अभी मैंने यहीं छोड़ रखे हैं, अभी मैं वापस इनको उल्टा बुन के कंप्लीट करूँगी। अब देखिए यहाँ से देखिए इस तरह से अब मैं यहाँ से एक फंदा ये उतार लूँगी धागा अपने साइड करके 5 फंदे उल्टे बुनूँगी। ये देखिए और देखिए अब मैं ब्लू वाला धागा इधर लाऊँगी ऐसे, और ये वाली डिजाइन डालूँगी देखिए इस तरह से, एक ये रो बीच में हो गई उल्टी, उसके बाद एक फंदा मैं ब्लू से बुनूंगी और एक ऑरेंज से, इस तरह से इसको इस फिंगर से दबा लेंगे ऐसे थंब से। ये देखिए इस रो में मैं सारे फंदे बुन लूंगी इस तरह से, जो ये 5 फंदे मैंने छोड़े थे ये भी बुन लूंगी। ये देखिए इस तरह से इनको भी बुन रही हूँ मैं। ये देखिए ये मैंने सारी रो बुन ली है, अब देखिए इसको पलट लेंगे और देखिए जो हमारा ब्लू है उसको मैं ऑरेंज से बुनूंगी, और ऑरेंज है उसको मैं ब्लू से बुनूंगी। ये देखिए इसको मैंने इससे बुन लिया, इसको इधर दबा लेंगे ऐसे, देखिए इसको ऑरेंज से, इसको ब्लू से। ये देखिए अब मैं इस धागे को इधर कर लूँगी और ये यहाँ से इस धागे को भी, ये बॉर्डर वाला इसको उल्टा बुन लूँगी, बॉर्डर वाले फंदे हैं जो इस रो में, ये देखिए देखिए ये इस तरह से हमारी दूसरी रो भी कंप्लीट हो गई है, दूसरी डिजाइन। अब देखिए यहाँ से मैं एक फंदा उतार लूँगी धागा आगे करके, ये धागा इधर करूंगी और इस रो को मैं सारे फंदे सीधे बुन जाऊंगी इस तरह से कंप्लीट करूँ। ये देखिए इस रो में मैं सारे फंदे बुन रही हूँ इस तरह से, ये देखिए इसके बाद इसको इधर से मैं इसको उल्टा बना के कंप्लीट करूँगी इस तरह से। ये देखिए इसी तरह से मैं इसको अब कंप्लीट करूँगी आगे, जितनी मुझे इसकी लंबाई चाहिए राउंड में आप नाप लीजिए बेबी के, इस तरह से पूरा राउंड में जितना आपको बड़ा चाहिए उतना बना लें, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसकी लंबाई पूरी करने। ये देखिए मैंने इसकी ये लंबाई पूरी कर ली है, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ये पड़ी हैं, आप अपने बेबी के उसके हिसाब से भी ये डाल सकते हैं। और देखिए यहाँ से मैंने ये एक रो सारे फंदे वाली निकाल ली है, अब इधर से मैं इसको उतार दूंगी, देखिए इस तरह से 2 का 1 करते हुए उतारूंगी इस तरह से, 2 का 1 किया इस फंदे को इस पे इस तरह से।
देखिए लास्ट मेरा ये एक फंदा बचा है, इसको मैं उतार के इस तरह से, और ये धागा मैंने देखिए कट कर लिया है और इसमें से ऐसे निकाल लूँगी। ये धागा को बड़ा कट करना है क्योंकि इसी से मुझे सिलना है इसको। ये देखिए ये हमारा सीधा साइड है, ये उल्टा है। इसको देखिए इस तरह से पकड़ेंगे यहाँ से, और देखिए यहाँ से ऐसे सिल के लाएंगे। अब देखिए ये है जो इसको ऊपर है जो, इसको मैं यहाँ से देखिए इस तरह से गोल गोल झूलते हुए जाऊंगी। इस तरह से ये देखिए इस तरह से इसको खींच के बंद कर लेंगे, और देखिए इसको एक बार और घुमा देंगे इसी में जहाँ से इस तरह से मैंने सिला है, ताकि ये मजबूत हो जाए। इसको कट कर देंगे धागे को, और देखिए ये देखिए उल्टे हैं, और इस तरह से ये देखिए यहाँ पे आप पोम पोम भी लगा सकते हैं, और इस धागे को हम कट कर देंगे इधर से, और आप चाहें तो फ्लावर भी लगा सकते हैं इसमें, काफ़ी सुंदर लगता है, काफ़ी इजी भी है। और देखिए इसका बॉर्डर आप इस तरह से यहाँ से ऐसे पलट के भी लगा सकते हैं बेबी के। ये देखिए, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।